इकरा जी, कैसे आपकी सेलिब्रेशन कैसे होती है? बस बेटी है तो उसी की सेलिब्रेशंस में आपको तो अंदाजा है कितनी डिमांडिंग आजकल के बच्चे हैं। बहुत अभी भी लहंगा डिमांडिंग वाला स्पेस हम देख रहे थे तो उसी के साथ होती है, उसी की तैयारियां, उसी को तैयार करना। और जैसे फात साहब भी कहते हैं हमारे घर में भी बड़ा स्पेशल नाश्ता होता है, सो हमारे घर में तो पूरी हलवा आता है। अच्छा, ज़्यादा वो होता है क्योंकि मेरी बेटी बड़ी देसी खानों की शौकीन है। वाओ, शी लाइक्स टू हैव नान चने। हाँ, मैंने इसको देखा है, वो जरा देसी उसकी आदतें बड़ी अच्छी हैं खाने के मामले में। सो बस उसी के साथ ही दिन इसी तरह शुरू होता है, उसी की तैयारियों में, उसी की। लेकिन हाँ, मुझे ईदियाँ मिलती हैं अभी भी। वाओ, और फिर आगे जाके शाम तक फिर देते भी हैं। यू आर लकी, अल्लाह आपके माँ बाप को लंबी जिंदगी दे। मैं ये कमी बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ, बहुत ज्यादा, कि ईदें भी माँ बाप के साथ होती हैं, खुशियाँ, स्पेशली जब ये त्यौहार आते हैं ना तो माँ बाप बहुत ज्यादा याद आते हैं, स्पेशली बेटियों को। बहुत ज्यादा ये कमी जो है ना वो महसूस। बेटियों को क्यों खारिज कर रहे हैं? नहीं, बेटियों को बेटियों को एक स्पेशल वो माएं आती हैं, स्पेशल ईद लेके आती हैं। बेटों के लिए भी माँ बाप उतनी होते हैं, लेकिन आपको पता वो जो बेटे माओ के साथ जुड़ जाते हैं ना वो आगे बीवियों के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही घरेलू गुफ्तगू है। नहीं नहीं, वो देखे, वो देखे, मेरा ख्याल है इकरा आजकल इंडियन सीरीज ज्यादा देख रहा है। जामी, आपकी बेटी की क्या ख्वाहिशात होती हैं? पलवशा की एक लंबा चैप्टर है जिसको डिस्क्लोज करने जाएं तो मेरा ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। बट आई गॉट ओनली वन डॉटर एंड शी इज ऑलवेज फुल ऑफ डिजायर्स एंड डिमांड्स, शी इज वेरी मच अटैच्ड टू मी। तो उसके साथ मेरा अगर 5 से 10 मिनट गुजर जाए तो फिर हमारा दोनों का संबंध हो जाता है एंड वी गेट अलोंग वेरी नाइसली। पहले 5 से 10 मिनट बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि उसमें एक लिस्ट होती है, डिमांड होती है, एक नखरा, एक जिद होती है, उसको टैकल करना होता है। नेगोशिएशंस होती है, टेबल बैठ के, ये नहीं अच्छा, ये चलो इसकी जगह, या टेबल बैठ के या गाड़ी में बैठ के अलहदा अकेले से, उसके बाद फिर काम चलता है कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। फात साहब, ये तीनों गई हैं, मेरी, इकरा की बेटी और जामी की बेटी, तो वो ना पैसे आप लोगों के फंक्शन में पे तो देखा वो कि कहाँ गई हैं, देखा तो तीनों ना पैसे उठा रही हैं तीनों, और जामी की बेटी आके कहती है आप तो हम अमीर हो गए। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने आपको प्रोग्राम में ना आपने ग्रीट करना है सबको, आपके रिव्यूज लूंगी, तो मेरी बेटी मुझे कहती है आई विल चार्ज इफ यू वॉन्ट टू हैव माई रिव्यू आई विल। मैंने कहा हाउ मच? $3,000। मैंने कहा इतना कोई बजट नहीं है। एक सबसे बड़ी खास बात बच्चों की, मैं अपनी बेटी की जिक्र छेड़ा, वो ये कि आप हर काम में कि अच्छा मैं अगर ये करूँगी, ये वाला होमवर्क करूँगी या ये वाली ड्राइंग करूँगी या आपने कहा कि ये काम करके दो, तो उसमें मुझे मिलेगा क्या? क्या सरप्राइज होगा, क्या गिफ्ट होगा, क्या ऐसी शेयर होगी जो आप मुझे देने जा रहे हैं? तो ये एक टेंडेंसी मोबाइल नहीं, असल नहीं, इसमें देखें कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं। हमने जो अपने निसाब है ना उसमें ये रखा हुआ है कि आप ये करेंगे तो ये रिवार्ड मिलेगा। जी जी। मतलब इसलिए जो हर हम जब भी कोई कहते हैं ना कि ये अच्छा काम है तो उसका साथ रिवार्ड भी लगाते हैं। कोई अच्छा काम रिवार्ड के बगैर नहीं, नहीं है। होता तो हालांकि अच्छा काम तो अच्छा काम ही है चाहे उसका रिवार्ड मिले ना मिले। एक्सपोजर हुआ है ना सोशल मीडिया से, ये सब मोबाइल, इससे बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और वो लेकिन अब पहले सोशल मीडिया की दुनिया से पहले जो हम सीखते थे वो घर से ही सीखते थे, घर से ही सीखते थे। एक्सपोजर आपका घर या खानदान या अहबाब या स्कूल या स्कूल। अब आपका एक्सपोजर जो है वो अमेरिका भी है तो कनाडा भी है तो यानी यूक्रेन भी है। हाँ, ऐसे तो वो एक अब मेरे मुझे लगता है कि अब जो एक जनरेशन रेज हो रही है ना वो एक यूनिवर्सल एक्सपोजर पे रेज हो और गैप बहुत आ गया है। नहीं, आप ये देखें ना फाज साहब, सारी दुनिया का ड्रेस एक हो गया। आप यानी न्यूयॉर्क में देखें या कराची में देखें या लाहौर में देखें, ख्वातीन के तकरीबन एक जैसे ड्रेस हैं, मर्दों के तकरीबन एक जैसे ड्रेस हैं, एक तरह के ब्रांड हैं, एक तरह की लाइफ स्टाइल हैं। खाना भी जी, खाना भी कॉमन होता है। खाना तो चलो अभी भी थोड़ा है, चलो हर एक परफ्यूम्स भी एक जैसे हो। पहले तो किसी जमाने में शेक्सपियर ने तो लिखा था ना कि अरेबियन सेंट्स जो है, अरेबियन परफ्यूम, अब सारे फ्रेंच परफ्यूम, सब यूनिसेक्स हो गए, सब परफ्यूम लाइन का वाला हालिए कॉलम में भी थी। विनेश, क्या करके आई हो आज, क्या पका के आई हो? नहीं, वो तो अल्लाह ना करे कभी कुछ पकाना पड़े, तो आप करो मेरे लिए कि मतलब मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माई मदर इज़ अ वेरी गुड कुक एंड आई गॉट अ वेरी गुड स्टाफ एट होम और वो बहुत अच्छे खाने बनाता है और मेरी वालदा ईद वाले दिन भी चार्ज लेती हैं। मेरी दो तरह की ईदें होती हैं, एक पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान से बाहर। बिकॉज आपको खैर पता है लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा बिकॉज मेरी इमीजिएटली फैमिली, जो इमीजिएट फैमिली वो पाकिस्तान में होती नहीं है।
सो हम जहाँ पर भी जाते हैं, अगर लंदन में भी जाएं तो हम उसी तरह की ईद गुजारते हैं जैसे पाकिस्तान में गुजारते हैं। हम ड्रेसअप करते हैं, ईद मिलती भी है, ईदी देते भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे यहाँ आके ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे घर पर अभी भी बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि मुझे बहुत कुछ देते हैं, लाइक आई रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। और मुझे एक और चीज़ याद है यहाँ बात करते करते आप लोगों से कि ये छोटी ईद है और ये मीठी ईद होती है, मीठी ईद, और जितनी मिठास प्यार बांटने में है उतनी मिठास किसी से भी नहीं होती। सो ईद, बड़ी ईद और छोटी ईद दोनों मेरे लिए स्पेसिफिकली ये वो ईदें होती हैं कि जब हम अपने सारे स्कैटर्ड रिश्तेदारों से मिलते हैं, बिकॉज जितने मेरे कजिन्स हैं पढ़ने के लिए बाहर गए, बाहर ही सेटल हो गए, जो रिश्तेदार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कोई बाहर चला गया, कोई यहाँ चला, कोई बहुत पहले से वहाँ पर सेटल्ड हैं। सो ईद ऐसा मौका होता है यार, नवंबर दिसंबर में जब शादी सीजन होता है ना, बस ये सब इकट्ठे होते हैं। ये सीजनल हमारी जो मुलाकातें होती हैं वो सीजनल होती हैं। सो हम इस सीजन को मैं समझती हूँ कि हम इतना एंजॉय करते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे कि प्रॉपर प्रेपरेशन के ईद की प्रेपरेशन हम रमजान से ही शुरू कर लेते हैं कि अब ईद पे हमने ये करना है, सबने इकट्ठे मिल करके एक जैसे कपड़े पहनने हैं, ईद गिफ्ट्स क्या जाएंगे, बास्केट्स क्या जाएंगी, कैश कितना जाएगा, और कैश कितना आएगा मुझे, मतलब ऐसे मैं हिसाब तो खैर रखती नहीं हूँ लेकिन मैं ईद पे बहुत अमीर होती हूँ, कोई मुझसे उधार लेना चाहे तो ईद पे ले। शौक से क्या खाती हूँ, पकाने का कुछ भी नहीं कहा, अम्मा अच्छा पकाती है, साफ अच्छा पकाता है, और समझदारी की इतनी अच्छी अच्छी बातें बीनिश ने की है, कोई शोला या भी कोई मुझे तंग कर रहा है, आपके सरात है या पता नहीं फहद साहब की वजह से थोड़ा सा लिहाज, ये अभी कोई तंग कर रहा है, मैं मजबूर हो जाऊंगी अपना वादा तोड़ने के लिए जो मैंने शो से शुरू में किया था पहले। आई थिंक जनाब फेवरेट साहब की कंपनी का, बस शाजिया आई कम फ्रॉम अ टिपिकल कश्मीरी फैमिली, और हमारे घर में कश्मीरी पकवान पकता है, बड़ी पत्ता एक हमारी डिश है जो कि दाल और गोश्त को इकट्ठे एक यकजां करके बनाई जाती है करके, और उसमें बड़ी मेहनत लगती है, तो वो हमारी स्पेशल होती है, वो बनती है, खड़ा कीमा बनता है हरी मिर्च ऊपर स्प्रिंकल करके, वो बनता है और पुलाव बनता है, बट आई एम अ बिरयानी पर्सन, बट मेरे घर में सारा पुलाव बहुत ज्यादा बनता है। बिरयानी पर्सन, बट हम जो कश्मीरियों की ट्रेडिशनल डिश है ना के पुलाव और साग, वो तो लाजमन कंपलसरी है, बड़ी पत्ता यानी दाल गोश का वो जो कॉम्बिनेशन है वो कंपलसरी है, वो आपको हमारी शादियों में भी मिलेगा, वो आपको हमारे घरों में। खुद कितना खाती हो? इससे ज्यादा सवाल है कि कितनी जल्दी खाती हो, कितनी तेजी से, जितना तेजी बोलती है उतना तेज खा भी लेती है, नॉर्मल आदमी फर्ज करें 10-15 मिनट लेता है अगर एक डिश। यार हमारी स्पीड बहुत कम हो गई है, अब तो शबाज स्पीड आ गई, नकवी स्पीड आ गई, मरियम स्पीड आ गई, मेरी स्पीड बहुत कुछ रह गई। ओरिजिनल स्पीड जो थी ना, है ना, बास स्पीड से पहले वो बिने स्पीड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस, हम तो इसके विक्टिम्स हैं। याद है कि हमने खबरें तेज वाली जो थी वो शुरू बिने से करवाई थी, उसमें उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि खबरें तेज तेज जो है वो नशर की जाएंगी, हमने तेज तेज पढ़वानी शुरू कर दी, दैट वाज द इनोवेशन जो बिने ने की। हां जी, एड्स का टाइम ज्यादा मिल जाता था और एक घंटे का बुलेटिन आपको 10 मिनट में खत्म शुरू कब हुआ, खबरें खत्म हो गई है, राइट। ये बिजनेस की खूबी है थी मेरे साथ के, मतलब जब ये न्यूज एंकरिंग करती थी, अच्छा अभी भी वो कह रही है ना उन्होंने स्पीड कुछ कम की है, वो इनकी खूबी ये थी कि चूंकि ये इन्होंने मैस्कॉम पढ़ा हुआ है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बकायदा इन्होंने की, मैं भी इनके साथ को लीग था, तो ये जब किसी मैच की खबर देनी होती थी, क्रिकेट मैच, लेट्स से लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो उनके इतने मुश्किल नाम होते थे, इतनी तेजी में भी उनके नाम गलत नहीं पढ़ते और किसी ऐसे अंदाजे पढ़ती थी पता चलता सही पढ़ रही है। वैसे वैसे ये फन उसामा में भी था, मेरे में भी था। अच्छा, लेकिन